आज हम बात करते हैं डिप्रेशन के छुपे हुए कौन से 6 लक्षण है उसके बारे में। तो ये आपका स्वागत है, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में मुंबई पुणे अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। डिप्रेशन वैसा आइडेंटिफाई करना पहचानना बहुत आसान है और डिप्रेशन के बारे में मैंने काफी सारे वीडियोज इसके पहले पब्लिश किए हुए हैं। कुछ लक्षण ऐसे है कि जो छिपे हुए हैं और हमको मालूम नहीं पड़ता कि वो डिप्रेशन है करके, मगर उसके तरफ हमने गौर से देखा वो व्यक्ति की तरफ, तो हमको मालूम पड़ेगा ये डिप्रेशन का शिकार अभी है या हो सकता है आगे चल के। तो ऐसे कौन से लक्षण है? एक तो है कि आपकी लाइफस्टाइल यदि चेंज हो गई, तो लाइफस्टाइल इसका मतलब खाना और सोना, इसमें बदल आ गया तो एक तो ज्यादा खा रहे तो कम खा रहे और नींद में बहुत ज्यादा नींद ले रहे या बहुत कम नींद ले रहे, तो ये लाइफस्टाइल बदल गई है तो ये लक्षण हो सकता है कि ये डिप्रेशन की तरफ जा रहा है। हो सकता है कि कुछ लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं, उनको बहुत बुरा लगता है सवेरे, ऐसा उदासीन लगता है, ठीक लगता नहीं है सवेरे उठ के, और उनकी लाइफस्टाइल पूरी बदल जाती है, तो ये पहला लक्षण है। फिर दूसरा है कि उनके बातचीत में जिंदगी और मौत के बारे में काफी बार चर्चा होती है, मतलब बातचीत करते रहते हो, जिंदगी काय के लिए है, मृत्यु के बाद में क्या होता है और मृत्यु कब आएगा पता नहीं, ये जिंदगी में वैसे अभी मजा क्या रही है, मतलब इस तरह के ऐसा कुछ वो बातचीत कर सकता है, कॉन्वर्सेशंस कर सकता है ऐसे लाइफ एंड डेथ के बारे में, तो वो हो सकता है कि वो लक्षण डिप्रेशन का हो। फिर तीसरा जो लक्षण है वो है अनसर्टेनिटीज अबाउट लाइफ, और अनसर्टेनिटीज अबाउट लाइफ इसका मतलब यह है कि पता नहीं क्या होगा मेरा, कुछ तो भी ऐसा बड़ा प्रॉब्लम चैलेंज मेरे लाइफ में आ जाएगा, ऐसा उसके बारे में सोचना, डर लगना, कुछ तो भी अघटित हो जाएगा, कुछ तो भी एकदम अनाकलनीय हो जाएगा, कोई किसका डेथ हो जाएगा क्या, और उसके बारे में फिर सोचना, अरे कुछ तो भी जो पक्का होने वाला नहीं है, मतलब लाइफ अनसर्टन है, उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचना, पता नहीं क्या होगा, तो या फिर जो हो गया उसके बारे में और डबल डबल वही याद करना, और उसके बारे में वो फिर से हो गया तो पास में एक्सीडेंट हो गया तो फिर से एक्सीडेंट हो गया तो पास में और कुछ बीमारी हो गई तो वो बीमारी हो गई, तो ऐसे उसके बारे में लाइफ में जो अनसर्टन है उसके बारे में चिंता करना। चौथा, लोग मेरा परित्याग कर देंगे, अबेंडन कर देंगे, या मुझे पूछेंगे नहीं, या मुझे अकेला छोड़ देंगे, या आजकल लोग मुझे है ना कोई पूछ नहीं रहे, या मेरे को टाल रहे, ऐसा लगना, उसको लगता है कि लोग मेरे को टाल देंगे, लोग मेरे को छोड़ देंगे, मेरे को टीम में से निकाल देंगे, या मेरे को जॉब में से निकाल देंगे, या मेरा धंधा बर्बाद हो जाएगा, या मतलब कुछ तो भी हो जाएगा कि लोग मेरे को छोड़ देंगे, या सोसाइटी में से मेरे को बाहर निकालेंगे, कुछ तो भी ऐसा हो जाएगा कि भाई मुझे लोग अबेंडन कर देंगे, सो फियर ऑफ बीइंग अबेंडन्ड। पांचवा है कि लूजिंग पेशेंस, मतलब मन की शांति बार 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 ढलना, छोटी बात के ऊपर कभी गुस्सा आ जाना, छोटी बात के ऊपर चिढ़ना, या छोटी बात हो गई उसके ऊपर एकदम नर्वस हो जाना या टेंशन में आ जाना, तो बार बार ऐसा होने लगता है तो समझ जाना कि भाई ये डिप्रेशन आगे चल के हो सकता है इसका। और छठवा है कि बीच बीच में कभी तभी उसको लगता है कि मैंने रोना चाहिए, कभी छोटी बात हो गई तो एकदम आंखों में से आंसू आ जाएंगे या एकदम सेंसिटिव हो जाएगा, उसको दुखी हो जाएगा, और ऐसा दिखता नहीं, वो कुछ खुद बोलेगा नहीं कि मुझे ऐसा कुछ रोना आ रहा है, या मतलब बहुत ही सेंसिटिवनेस आ जाएगा, बहुत हाइपर सेंसिटिवनेस, और थोड़ी भी ऐसी कुछ बात हो गई लाइफ डेथ की, या ऐसा कुछ किसने कभी प्यार की बात कर लिया तो एकदम उस आँख में से एकदम टच के पानी आ जाना, एकदम मतलब गीला हो जाना आँख, इस तरह के। तो ये जो लक्षण है ये लक्षण डिप्रेशन के हो सकते हैं और इसके तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। तो ऐसे लक्षण होने वाले लोग आपके आजू बाजू में होते हैं तो जरूर इनको आप बोल सकते हैं कि भाई आप एक्सपर्ट की मदद ले लो या कोई काउंसिलिंग कर लो, आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं, हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं, इसके लिए हमारा ऐप है मनोविकास नाम का, उसके लिए आप ऑनलाइन चैटिंग भी फ्री कर सकते हैं। वीडियो आपको लगा अच्छा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू वेरी मच।